चाचा चाची चंद्रशेखर ने मुझे पकड़ा कि भाई हमारे लिख दो, मैं लिख दूंगा। तो दो गीत मैंने उनके लिखे, वो दोनों हित हुए। सुबह ना आई शाम ना आई, जिस दिन तेरी याद ना आई। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रहे गुजरती प्यार की लुटी थी यहाँ पे बेवजह की जिंदगी पाल की बहार की। इस प्रकार से वो अब एक बार कवि सम्मेलन में गया तो वहाँ दीवान नवाज चीफ गेस्ट जब मुझे सुना तो बोला नीडा जाई लाइक दिस लैंग्वेज, We will work someday together। बड़ा खुश हुआ मैं। अब क्या हुआ, जब उसने प्रेम पुजारी अनाउंस किया स्क्रीन में, इतफाक से स्क्रीन पढ़ने को मुझे मिल गया। देखा मैं पढ़ता नहीं था, फिल्मी स्क्रीन पढ़ लिया, उसमें गीतकार का नाम नहीं था। तो भाई देव आई रोट ए लेटर टू देवानंद कि भाई यू हैड प्रोमिस्ड मी वंस दैट वी विल वर्क समडे टुगेदर। चिट्ठी दिवैन लिखी, 7 दिन बाद उसका जवाब आ गया, बोले क्रॉस योर फिंगर नीरज कम एट वंस। और साहब मैं गया वहाँ पर, रिजर्वेशन करवा दूँ और 1000 रुपया रखो तुम, खर्चा वर्चा करना पड़े रिजर्वेशन, मैंने तुम्हारा इस होटल में करा दिया। मैंने कहा आप 6 दिन छुट्टी ले गया था, बोले इसलिए कि एस डी बर्मन से मैंने कहा था तुम्हारे नाम के लिए। तो एस डी बर्मन बोले आई डोंट नो हुई नीरज, वो बैंक हुई नीरज आई डोंट नो हुई वेदर ही विल बी एबल टू राइट ऑन माई क्लियर और नॉट आई डोंट नो। तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने रिजर्वेशन लौटने करा दिया दादा, अगर वो नहीं हुआ चला जाए तो प्रोफेसर है थे आराम से है, कोई फिल्म का आदमी नहीं। अब वो मुझे बुलाया ऐसा एक सिचुएशन ऑन दी कि देखो भाई नीरज, इसमें मुझे ये रंगीला शब्द चाहिए और कोई भी गुलबुल स्लो समा परमाना ये नहीं चाहिए, हमारी इसमें छोटे छोटे शब्द चाहिए। और सिचुएशन ये कि एक स्त्री जो है वो इंडिया हाउस में फ्रस्ट्रेशन में शराब का प्याला लेके हाथ में गा रही है, बोले शराब आराम मुझे नहीं चाहिए, इसमें शब्द नहीं चाहिए मेरी फिल्म में, और रंगीला ये शब्द मुझे पहला चाहिए। तो क्यों सुनाई, देव साहब ने कहा मुझसे समझ लिया, मैंने यहाँ समझ लिया, मैं कल आपको गीत दे दूँगा। तो बोले देव साहब ने कहा कि देखो पहले मुझे तुम सुना जाना वहाँ जाने से पहले। अब वो साहब क्या हुआ जो दिखा रहे हो? नहीं अब चले। तो वो मैंने वो साहब तैयार किया गीत रात में, और सुबह देव साहब के बस वहाँ सुरंग में ठहरा हुआ था बिल्कुल सांता क्रूज के स्टेशन के पास, तो वहीं खीरा बिल्डिंग में देव साहब का ऑफिस था। टेलीफोन किया बोले यस कम ऑन नीरज कम ऑन, गए मैंने सुनाया ना गीत, तो देव साहब बोले कमाल कर दिया नीरज कमाल कर दिया, वाह एक एक पंक्ति फूल की तरह। टेलीफोन किया एस डी बर्मन को, भाई वो गीत आपका पूरा हो गया, बोले पूरा हो गया, अरे कल तो मैंने बताया, बोले आ रहे हैं हम लोग, बोले आइए आए आप साहब। वो दो बुढ़े बुढ़िया सुनते थे, उनकी वाइफ जो थी बहुत पढ़ी लिखी थी, टैगोर की गोद में बैठी हुई थी मीरा भाभी। तो भाभी कहता था उन्होंने दादा साहब बैठे लेकर घर बनिया नंगीला रे पड़ा, भाभी सुन नहीं बैठी एकदम हेड्स ऑफ दी हो नीरज हेड्स ऑफ दी पसंद हर बोले बहुत ही बढ़िया पसंद नहीं बहुत ही सुंदर है। अब देव साहब मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखे हमी देव साहब, अरे बोले ठीक है। अब देव एस डी बर्मन से बोले देव साहब से कब आप तो जाइए हम नीरज के साथ बैठेंगे। अब वो देव साहब चले आए, फिर मुझसे बोले बोले नीरज आज तो मेरे यहाँ खाना खाना नहीं खाना। तो देव साहब मैंने बताया उन्होंने मुझे इनवाइट किया है खाने की, बोले तुमको खाने को बुलाया, अरे वो तो शाही बुलाता किसी को, अरे ये तुम्हारा जादू चल गया। तो साहब उन्होंने शाम को मुझे बुलाया, अब भाभी बैठ गई, बोले देखो ये ओल्ड स्मग लगा रहा है, 1.5 पैक से ज़्यादा नहीं देती किसी को, 1.5 पैक एक पैक उनको एक पैक खुद लिया, अभी एक पैक आधा बोले अब बस ख़त्म, 1.5 पैक से ज़्यादा किसी को नहीं देती मैं ठीक, और खुद भी लेती। तो वो साहब वो खिलाया उन्होंने बढ़िया। अब उनका एस डी पी ये होगा रोज़ उनकी गाड़ी सुबह हमारे पास आ जाती थी ले जाती थी, फिर बैठ करके इस गीत को बताएं किस तरीके से। अब इसमें देखें क्या है, दोनों का इसमें 3-4 चीज़ें चाहिए। पहला तो पास्ट रेमिनिसेंसेस पुरानी यादें, दूसरा फ्रस्ट्रेशन दुख पीड़ा, और वो दूसरा जिसको ढूंढती हुई पहुँची है
ये खेमकरण से उसकी हीरोइन, और वो देवान दूसरी लड़की को हवा में डाल के निकल आता तो देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाती कि मैं इसको खोजते खोजते यहाँ लंदन आई हूँ, ये काम कर रहा। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, रंगीला शब्द का तो उसको कैसे जस्टिफाई किया। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, और शराब के पहले लिखे गा रही, तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, न बुझे है किसी जल से ये जलन। अब किसी जल के माध्यम से सारी बात कह रही, शराब की बात होगी, जहर की बात होगी, पानी की बात होगी, ये विशेषता थी। और नवीन दास में के पलकों के झूले से सपनों की डोरी,